ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था स्क्यूइंग थ्योरी, ठीक है, आज हम उसको आगे लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे उसके बेस न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल को डील करना है, और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो भी कुछ गेट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गेट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर द फाइनल ईयर आप लोग रेडी हो गेट देने के लिए। ठीक है, तो कोशिश मैं करूँगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी अप्रोच के साथ साथ थ्योरेटिकल सी आपका एंट्रेंस अप्रोच से भी मैं डिस्कस करूँ टॉपिक को। तो कोई इशू तो नहीं है किसी को, या सिर्फ यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाना है? ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो एक छोटी सी क्विक रिवीजन करते हैं 2 to 5 मिनट की, उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली क्या, वो डिस्कस कर रहे थे हम क्यूइंग थ्योरी। ठीक है, अब क्यूइंग थ्योरी में मैंने क्या बताया था, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है उसके अंदर कैसे हम सर्विस को प्रोवाइड करें, ठीक है, और हम कॉस्ट को भी हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, लाइक द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है या कॉस्ट ऑफ वेटिंग है, यानी कि जो सर्विस देने वाला है उसको ज़्यादा टाइम ना लगे और जो सर्विस लेने वाला है उसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, मोटो था। तो ऑब्जेक्टिव तो सबको समझ आया क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था हमारा, एक तो सर्विस रेट, ठीक है, सर्विस रेट, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा, सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है, सर्विस रिक्वायरमेंट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट उसके अंदर दो तरह की कॉस्ट थी, पहली कॉस्ट जैसे मैंने जैसे कि मैंने ये बताया, फर्स्ट कॉस्ट कौन सा है, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, एंड सेकेंड क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ वेटिंग। ठीक है, और देखो बच्चे जिसको भी डाउट हो ना ऑन द स्पॉट पूछा करे, ठीक है, कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, यहाँ मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ताकि मुझे वहीं पे मैं आपको रोक के आपका डाउट क्लियर करूँ, क्योंकि अदरवाइज आप उसको मन में रखोगे तो बाद में जाके दिक्कत होगी जब आप न्यूमेरिकल अप्लाई करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्यूइंग थ्योरी, या फिर हमारा कई बार इसको वेटिंग लाइन थ्योरी बोलते हैं। तो अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग थ्योरी। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, अब मैं इसको देखो डिस्कस करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ। पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर ये है आपका सर्विस काउंटर। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, सर्विस काउंटर, यहाँ पर है एक सर्विस जो प्रोवाइडर है सर्विस दे रहा है, मान लो ये वो बार अटेंडेंट है या जो भी है। ठीक है, और उसके अंदर आप लोग गए हो, आपके कुछ 4-5 फ्रेंड हैं, मान लो ये आपके फ्रेंड खड़े हुए हैं, ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, ये बंसीलाल है, ये राधेश्याम है। ठीक है, 4 फ्रेंड हैं, अंदर गए, ठीक है, उसके बाद कुछ लोग आपके, मान लेते हैं कि एक सिटी है ये पूरा जिसके अंदर ये रेस्टोरेंट है, और सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हो गए। ठीक है, अब मैंने कल डिस्कस किया था जो कंप्लीट सिस्टम के अंदर होगा उसको कुछ और बोलेंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर को कुछ और बोलेंगे, तो यानी कि सबकी एक प्रॉपर डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं क्या है। देखो देखो मैंने कल बताया था जो कि हमारे सर्विस के अंदर जो लेने के लिए आए हैं इनसाइड द सिस्टम, तो ये हम किसको क्या बोला था, दैट इज़ नॉन एज क्यू लेंथ। ठीक है, क्यू लेंथ, और इसको क्या बोला था, ये सर्वर है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ नॉन एज सर्वर। ठीक है, और ये कंप्लीट किसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला था सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर कौन क्या क्या आएगा, एक तो सर्वर जो सर्विस दे रहा है, और जो सर्विस लेने वाले हैं वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे, सिस्टम के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो सिटी है, मान लेता हूँ ये कोई सिटी है, आप रहते हो फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद क्या है एक तरीके से, दैट इज़ नॉन एज पॉपुलेशन, इसको कई बार बोलते हैं इनपुट सोर्स है कॉलिंग पॉपुलेशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा पाओगे, चाहे वो आप हीरा की किताब का है या फिर आपका गेट का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, पैटर्न सबका सेम रहता है। तो अब इसको मैंने क्या बोला, दैट इज़ नॉन एज कॉलिंग पॉपुलेशन, नोट्स बना के चलना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कॉलिंग पॉपुलेशन, या दूसरा नाम इसको बोलते हैं इनपुट सोर्स। ठीक है, अब इनपुट सोर्स में क्या हो, देखो इसमें बहुत सारे लोग हैं, अब ये तो नहीं है कि भाई 10 आएंगे 20 आएंगे, ये इस सोर्स से जितना भी अमाउंट ऑफ जो हमारा जो क्राउड जाएगा, ये इसके अंदर आने के बाद ये हमारा क्या सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, और इसको हम बोलेंगे क्यू लेंथ, और कंप्लीट जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं सिस्टम लेंथ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिस्टम
लेंथ। तो ऑलवेज याद रखना न्यूमेरिकल में सिस्टम की जो लेंथ होगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ क्यू। ये चीज़ समझ आ रही है सबको? ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ये लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ क्लियर है? सिस्टम लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू लेंथ, या फिर क्यू लेंथ इज ऑलवेज लेस देन सिस्टम लेंथ। क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको एक प्रॉपर क्यूइंग थ्योरी का जो मॉडल है वो डिस्कस कर लिया मैंने। अब देखते हैं आगे। देखो, अब देखते हैं एक अराइवल रेट और सर्विस रेट में क्या क्या डिफरेंस है और कैसे इन चीज़ों को हम डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अराइवल रेट, अराइवल रेट एंड सर्विस रेट। सर्विस रेट अगर हिंदी में बोलूँ तो इनका डिफरेंस क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? ठीक है, हिंदी में कहूँ तो देखो, अराइवल रेट का मतलब क्या है कि किस स्पीड से जो हमारे कस्टमर हैं या फिर जो सर्विस लेने वाला है वो आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर उसकी जो इनकमिंग है वो रेट क्या है, सर्विस रेट में क्या है हमारा, कि किस स्पीड से जो हमारा सर्वर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, चाहे वो डॉक्टर है या वो बार काउंटर है या फिर हमारा कोई भी आपका कोई भी रेस्टोरेंट है, जो भी है। एग्जाम्पल एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी कि अब सर्विस रेट और अराइवल रेट में ये दो फंडामेंटल डिफरेंस है। ठीक है, और देखो उसमें हम देख सकते हैं कि आप देखते हो कि अराइवल रेट में जनरली क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप देखते हो कि अराइवल रेट में हम रैंडम अप्रोच मान के चलते हैं। रैंडम अप्रोच का मतलब क्या है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी आ सकता है मतलब कितने भी लोग आ सकते हैं, उसमें इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं, दैट इज़ अ रैंडम अराइवल। ठीक है, अगर हम रैंडम अराइवल लेते हैं तो जो हम इसके बाद हम बहुत सारे मॉडल्स लगाते हैं और इसके बाद हम जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो जो सबसे जो हमारा फाइन रिजल्ट देता है वो हमारा कौन सा देता है, वो देता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसकी जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस डिस्क्राइब, ये लिखते रहना पॉइंट छोटे छोटे। ठीक है, बाय पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट गेट में आया था। ठीक है, कि उसमें पूछा गया था कि जो अराइवल रेट होता है किसी भी क्यूइंग मॉडल का, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन जो अराइवल जो रेट है वो ऑलवेज फॉलो या ऑलवेज डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और सिमिलरली फिर देखते हैं हमारा सर्विस रेट। ठीक है, सर्विस रेट का मतलब क्या है, किस रेट से हम किसी चीज़ को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर मान लो काउंटर पे भीड़ बढ़ जाती है, अब भीड़ बढ़ जाएगी तो सर्विस वो क्या क्या करेगा, वो जो हमारा काउंटर पे सर्विस दे रहा है वो थोड़ा स्पीड में अटेंड करेगा कस्टमर को, बट अगर जो भीड़ है वो कम हो जा रही तो वो धीरे धीरे देगा, फिर वो आपको फालतू की बातें करेगा कि हाँ जी सर और बताइए, काफ़ी टाइम हो गया आए नहीं, ये फलाना ढिमाका। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो डिपेंड करता है कि हमारा क्राउड कितना है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है या फिर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है वाईएमसीए का, तो 101% ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि अराइवल रेट इज डिपेंड ऑन या इट इज द डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल कर्व तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज डिस्क्राइब बाय द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, बाकी हम डिटेल में जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे तब भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो मैंने बिल्कुल अंडरलाइन की हुई ना, ये जो अंडरलाइन पोर्शन है एटलीस्ट इसको अच्छे से करना। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो हमारी, वो है क्यू लेंथ। अब ये क्यू लेंथ क्या होता है, ठीक है, हाँ अभी बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपने 2-3 टर्म पढ़ी हैं, मैंने आपको अभी 2 चीज़ें डिस्कस करी हैं, अराइवल रेट और सिस्टम रेट, अराइवल रेट एंड सर्विस रेट। ठीक है, अब हमारी जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है आपको, क्यू लेंथ। अब क्यू लेंथ में देखेंगे क्यू लेंथ और सिस्टम लेंथ क्या होता है। ठीक है, और इनपुट सोर्स और आपका जिसको मैं दूसरा नाम क्या दिया है, दैट इज़ नोन एज कॉलिंग पॉपुलेशन। अब ये चीज़ें क्या होती हैं इनको और थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन से या हर टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं डिफरेंस या फिर बोल सकते हैं की पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला की पॉइंट किसके बारे में देखेंगे, क्यू लेंथ
ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू, एल क्यू, या फिर एल को सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, एल क्यू, ठीक है, क्यू लेंथ और, सॉरी और नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है, एंड सिस्टम लेंथ, ठीक है, सिस्टम लेंथ दैट इज एल एस, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इनपुट सोर्स, इनपुट सोर्स, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये और है, सॉरी, इनपुट सोर्स और वो दोस्त दोनों चीज़ें हमारी सेम ही थी, ठीक है, इनपुट सोर्स और कॉलिंग पॉपुलेशन, कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक। अब देखो, क्यू लेंथ फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है, अब दोनों का एग्जांपल दूंगा मैं भी, तो इट कैन बी फाइनाइट, ठीक है, एंड इट कैन बी इनफाइनाइट, ठीक। सिमिलरली कॉलिंग पॉपुलेशन, ये हमारा फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, और कॉलिंग पॉपुलेशन इनफाइनाइट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों की बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइनाइट का मतलब क्या है, देखो फाइनाइट का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो बोल देता हूँ कि भाई कि जो अगर रेस्टोरेंट है उसके अंदर 20 टेबल हैं, ठीक है, 20 टेबल हैं, और 20 टेबल में अगर 4 लोग बैठते हैं एक टेबल पे, यानी कि 80 पर्सन्स की कैपेसिटी है। अगर रेस्टोरेंट के बाहर 100 आदमी खड़े हो जाएं तो आप क्या बोलोगे कि भाई 80 आदमी अगर ऑक्यूपाइड हैं तो आप 20 आदमी को क्या हो, अटेंड नहीं करोगे। यानी कि क्या है, जो लेंथ ऑफ द क्यू है, जो कि अंदर जो हमारे जो बैठने वाले बंदे हैं, या फिर क्यू अगर वो खड़े होते हैं या फिर खड़े होकर खाना खाते हैं, जो भी है, तो आपकी जो क्यू लेंथ है या सिस्टम लेंथ है वो हमारी फाइनाइट होगी, क्योंकि हमने क्या है उतना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर, चाहे वो हमारी कोई चीज़ है, चाहे वो कोई हमारी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, वो हमने फिक्स कर दिए हैं। बट इनफाइनाइट में क्या होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ओपनली अगर कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ओपीडी, देखो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है वो 20 पेशेंट को अटेंड करता है, मान लो उसका टाइम फिक्स है कि 20 पेशेंट हुए उसके बाद अटेंड नहीं करेगा। और सिमिलरली एग्जाम्पल लेते हैं ओपीडी का, हॉस्पिटल में देखो ओपीडी में क्या है कि भाई 20 से ज़्यादा भी होगी तो उनको भी अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, क्यू की लेंथ डिपेंड नहीं करती, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है जी। एग्जाम्पल और दे सकते हैं, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे आप जैसे व्हील बैलेंसिंग कराने जा रहे हो, मान लो कि शॉप पे, अब व्हील बैलेंसिंग कराने गए, आपके पास एक ये सर्वर है, ठीक है, यहाँ पर उसने पार्किंग बना रखी है 40 लोगों की, 40 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। अब इसमें मान लो 40 40 गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक गाड़ी की सर्विस दे रहा है, तो 2 गाड़ी और बाहर आ गई कि भाई हमें भी सर्विस करानी है, तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम के अंदर पार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप ये तो बोलोगे नहीं कि रोड पर खड़ी कर दे और भाई वेट कर ले, तो यानी कि क्या है, हमारा जो क्यू लेंथ है या सिस्टम लेंथ है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया फिक्स का। और अगर इसको मैं कर देता हूँ इनफाइनाइट, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो हमारी क्यू लेंथ होगी, फिर हमारी सिस्टम लेंथ होगी, वो हम क्या होंगे, एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर कर देंगे, यानी कि वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जितने आओ उतने सर्विस दे देंगे, ठीक है। जैसे ओपीडी का एग्जांपल दिया है, या फिर मैंने कोई आपका जैसे गवर्नमेंट कैंप लगाती है, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है कि आओ भाई जितने मरीज आ जाओ, एग्जाम्पल के थोड़ा सा रखोगे ना दिमाग में तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं सोर्स, क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स हैं, बोलो बेटा, किसी को भी डाउट, किसी को भी बच्चे को डाउट, बोलो बेटा, ठीक है, आगे चलें, बताओ, चलें आगे, यस और नो, ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी क्लास में अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो क्लास मत लिया करो, ठीक है, क्लियर है सीधा। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड आएगा कि भाई सर नहीं आ रहा समझ में, उसको 10 बार बताएंगे, बट आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर ऐसे क्या, फिर मैं खुद को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता आता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम जब डेप्थ में जाएंगे ना तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी आपको, जो मैं बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, ये सेकेंड यूनिट क्यूइंग थ्योरी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हैं, और बार बार बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी के लिए भी एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, ठीक है। इनपुट सोर्स और कॉलिंग पॉपुलेशन, अब ये क्या होता है, देखो इनपुट सोर्स का मतलब क्या है कि जहाँ से पॉपुलेशन आ रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया सिटी का, अब सिटी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अब मान लो कि कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, या फिर एक कोई आपका सेक्रेटरी है सोसाइटी का, उसके अंदर 50 फ्लैट हैं, तो आप बताओ, अब उसके अगर वो किसी से कुछ चार्ज करता है तो 50 लोगों से ही चार्ज करेगा, क्योंकि उसकी फिक्स्ड है,
पॉपुलेशन फिक्स्ड है, यानी कि इन 50 फ्लैट से ही उसको पैसे लेने हैं या उनको सर्विस देनी है, क्लियर है। बट इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि भाई एक सिटी है, कोई एक प्रॉपर योजना चली कि यहाँ पर इन्होंने पैसा कलेक्ट करना है, तो एक सिटी में क्या है बहुत लोग पॉपुलेशन हो सकती है। यहाँ पर मतलब क्या है, जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाए, या सोसाइटी है या फिर कोई कंपनी है, कोई एक डॉक्टर है उसको कंपनी के एम्प्लॉय को अटेंड करना है, और एक एक डॉक्टर है जो ओपीडी में बैठ जाए गवर्नमेंट की, ठीक है। यानी कि क्या है, डिपेंड करता है कि जो सर्विस पॉपुलेशन एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, इतने लोगों को ही सर्विस देनी, यानी कि वो हमारी क्या है इनफाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी, अदरवाइज इनफाइनाइट होगी। न्यूमेरिकल दोनों तरीके से आते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा सिलेबस में क्या है, बट ये थ्योरेटिकल पार्ट सबको पढ़ना है। हालांकि सिलेबस में हमारा क्या है, फाइनाइट के ही क्वेश्चन आते हैं, इनफाइनाइट अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। इवन गेट में भी इनफाइनाइट के क्वेश्चन नहीं आते। अभी मैं बताऊंगा कौन सा मॉडल आपने पढ़ना है जो कि थ्योरी में आपके सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्यू लेंथ क्या होती है, इनपुट सोर्स, कॉलिंग पॉपुलेशन, ये सब चलें आगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मैंने क्या, देखो अब दोबारा से पीछे चलते हैं, मैंने क्या क्या बता दिया आपको, आपको बताया अराइवल रेट, सर्विस रेट, क्यू लेंथ एंड सिस्टम लेंथ एंड कॉलिंग पॉपुलेशन। अब एक चीज़ छोटी सी रहती है, सर्वर, सर्वर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, व्हाट इज सर्वर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सर्वर आर देयर, ठीक है। सर्वर, अब सर्वर क्या होता है, देखो देखो सर्वर, सर्वर का मतलब क्या है, जो सर्विस दे रहा है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, या एक बार जो टेंडर है, जो बार अटेंडर है वो, या फिर एक रेस्टोरेंट में आपका जो वेटर है वो, ये एक सब क्या है, सर्वर हैं, यानी कि वो सर्विस देने वाले हैं। अब सर्वर के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज सिंगल सर्वर, सिंगल सर्वर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज दैट इज मल्टी सर्वर, मल्टी सर्वर, ठीक है। सिंगल सर्वर का मतलब क्या है कि देखो एक सर्वर बैठा हुआ है और 10-12 क्यू लगी हुई हैं, ठीक है, इन सबको एक अटेंड करेगा। ये कब होता है, जब आप दिल्ली मेट्रो जैसे आप ट्रैवल करते हो, आप देखते हो कि एक काउंटर खुला हुआ है और आपकी दुनिया भर की भीड़ है वो टोकन लेने के लिए खड़ी हुई है, यानी कि सिंगल सर्वर मल्टी क्यू, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी सर्वर का, मल्टी सर्वर का मतलब क्या है, सर्वर चार हैं, ठीक है, और एक ही लाइन है, तो क्या करेंगे, तो ये यहाँ से लाइन तोड़ के चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी कि आपने सर्विस को लेने के लिए, ठीक है। ये भी देखा हुआ आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे, आप देखते हो कई बार जब भीड़ कम होती है और काउंटर ज़्यादा खुले होते हैं, तो ये वो एग्जांपल देख सकते हो, मल्टी सर्वर सिंगल क्यू। अब ठीक है, इसके ही काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बता देता हूँ, सिंगल सर्वर सिंगल क्यू, सिंगल सर्वर मल्टी क्यू, या मल्टी सर्वर सिंगल क्यू, या मल्टी सर्वर मल्टी क्यू, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। अभी आपके सिलेबस में क्या है वो मैं अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ सर्वर, हाँ, ये सर्वर सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आपके काउंटर पे बैठा हुआ चाहे डॉक्टर है, चाहे वो आपका कोई भी वेटर है, या कोई भी चीज़ जहाँ पे आप सर्विस ले रहे हो। अल्टीमेटली इसको डिज़ाइन इसीलिए करा गया है कि जो कॉस्ट है हमारी, जो ऐसा ना हो कि हम 10 सर्वर बिठा दें और आदमी उतने नहीं आ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या है, 2-3 आदमी की सैलरी फिक्स्ड है, और ऐसा भी ना हो कि मान लो सर्वर आपने 4 लगा दिए हैं और आदमी आ रहे हैं 400 और वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हर घंटे जो वेस्टेज ऑफ जो हमारा जो कस्टमर हो रहा है, या फिर हमारा जो भी अराइवल जो वेस्ट हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्यूइंग मॉडल बनाते हैं बेसिकली, ठीक है ठीक है। अब सर्वर डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं सर्विस रूल, अब सर्विस रूल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस रूल, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके मैंने नोट्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, ठीक है, बट मैं ये पेन टैप से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है, आप जब पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, तो वीडियो जरूर देखना एक बार, तब उसके बाद नोट्स को पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस रूल, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, सर्विस रूल। अब सर्विस रूल आपने कई जगह सुना भी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, सुना है ये FIFO, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सुना है किसी ने, ये सब जगह काफ़ी जगह लागू होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिख लो, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिख लो, यानी कि जो पहले आएगा पहले उसकी सर्विस होगी। एग्जांपल काउंटर पर देखते हो आप, जैसे डोमिनोज में जाओ आप खड़े होगे, आपको पहले पिज़्ज़ा मिलेगा, आपको पहले टोकन दे दिया जाता है कि भाई इन बंदों का पहले पिज़्ज़ा मिलेगा, दूसरे वाले का बाद में मिलेगा, यानी कि क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ये चल रहा है जो सिस्टम है हमारा। सेकेंड इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कम लास्ट सर्व, ठीक है, ये क्लियर है सबको, ठीक है ठीक है बेटा, बिल्कुल होता है, अभी देखेंगे देखेंगे क्या हाँ होता है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट इन लास्ट आउट का, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे गियर्स हैं, गियर्स को क्या करते हैं, जैसे हमारे जब जो लास्ट में जो गियर बना है,
ठीक है, उसको पहले वो नहीं करते हम, ठीक है। उनकी स्टोरेज के बाद जैसे मान लो अगर कोई हीट ट्रीटमेंट करके कोई मटेरियल आया है, तो उसकी हीट ट्रीटमेंट निकलने के बाद उसको अरेंजमेंट होने के लिए, ग्रेन्स को अरेंज होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं। जो पहले जो हमारा बना था उसको लास्ट में आउट करेंगे, ठीक है, या फिर लास्ट में जो बना है उसको पहले दे देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा गुड्स कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि मोस्टली तो आपको ये देखने को मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, बट कई बार है कि फर्स्ट कम लास्ट आउट भी होता है। वो एग्जांपल के तौर से हम देखेंगे जब हम इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। ये आपको सर्विस रूल देखने हैं। थर्ड वन इज़ SRO, SRO ये सिलेबस में नहीं है बट वैसे डिस्कस करना है। दैट इज़ सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, मतलब कोई भी आओ सर्विस ले जाओ, ठीक है। यानी कोई भी आओ, जैसे मान लो आप रैंडमली गए और आपको काउंटर खाली मिल गया, ले लिया, ठीक है। मतलब कोई भी एक फिक्स ऑर्डर नहीं है कि पहले आया है उसको पहले सर्विस दोगे। जैसे आप देखते हो कि जैसे स्कूल्स में देखा होगा कि आपने जैसे टेस्ट कॉपी है जिस अरेंजमेंट में रखी हुई थी उसी में चेक हो गई, तो जो लास्ट में रखी थी वो लास्ट में चेक हुई है, या फिर टीचर उसको उल्टा कर दे तो लास्ट वाली पहले आ जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट उसका कि जो फर्स्ट में दी थी वो लास्ट चली गई। तो ऐसे ही रैंडम का मतलब क्या है, कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर ना हो, आया और आपने सीधा सर्विस दे दी है, ठीक है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। फोर्थ सर्विस रूल होता है प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। प्रायोरिटी ट्रीटमेंट का मतलब सभी जानते हो, VIP लोग आए सीधा घुस गए लाइन में कि भाई जान पहचान है हमारे चाचा विधायक हैं, कर दो काम, ठीक है। ये है सर्विस रूल, इनमें से सिलेबस में है वो हमारा फर्स्ट वाला ही है, FIFO और FCFS, ठीक है। अब ये हम कैंडल नोटिफिकेशन वो देखेंगे, नोटेशन, उसमें आपको पता लग जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सर्विस रूल क्लियर है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, जो क्योंकि थ्योरी का जो जो स्टार्टिंग का पोर्शन है थ्योरेटिकल, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है पूरा। फिर अब हम एंटर करेंगे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चारों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, एंड फोर्थ वन इज़ प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। यानी कि जो VIP होते हैं जिनको डायरेक्ट ना तो उनको क्यू में खड़े होने की ज़रूरत है, आए और सर्विस लिए और चले गए, ठीक है। तो ना तो वो क्यू लेंथ में आएंगे ना वो सिस्टम लेंथ में आएंगे, ठीक है। इनके लिए जो भी अप्रोच है वो हमें सिलेबस से बाहर है, वो हमें पढ़नी भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज़ कस्टमर एटीट्यूड और बिहेवियर, ठीक है। एक क्वेश्चन गेट में आ रखा है इसका, तो इसलिए इसका छोटा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। कस्टमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कस्टमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। देखो अब कस्टमर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आपकी तरह सज्जन होगा जो पेशेंट होगा, ठीक है, पेशेंस है जिसके पास, एक होगा थोड़ा इम्पेशेंट, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है जी, ठीक है। पेशेंट का मतलब क्या है, आया और सर्विस ली और चला गया, ठीक है, क्लियर है। इम्पेशेंट के कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। पहला दैट इज रिनीजिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज बाल्किंग, ये नोट्स में है सब कुछ। थर्ड वन इज जॉकिंग एंड फोर्थ इज चीटर। चीटर जानते हो क्या होता है, चीटर को पहले डिस्कस करें, हाँ चीटर को डिस्कस करें पहले। चीटर का मतलब क्या है कि वो सीधा आया, पैसे निकाले और काम करवा के चला गया, दलाल वगैरह से जैसे काम करवा लेते हैं, वो क्यू के अंदर पार्ट नहीं काउंट होगा, ठीक है। अभी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पता चलेगा, बाकी अभी मैं बता देता हूँ टाइप ऑफ कस्टमर। तो रिनीजिंग का मतलब क्या होता है कि काफ़ी देर आया, खड़ा हुआ, उसने देखा कि भाई लाइन बहुत लंबी है, थोड़ी देर वेट किया और चला गया, ठीक है। यानी कि क्या है, वो सिस्टम की क्यू है, उसके अंदर पार्ट लिया है उसने, बट सर्विस नहीं ली है, ठीक है, वेट इसने किया है, वेट किया है इसने, ठीक है। इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे हम अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। बोल देगा कि रिनेजिंग टाइप ऑफ कस्टमर बिहेवियर, तो उसका मतलब क्या है, उसका वेटिंग टाइम होगा। बाल्किंग का मतलब क्या है कि एंटर हुआ सिस्टम के अंदर, एंटर टू द सिस्टम एंड नॉट जॉइन द क्यू। जैसे आप गए प्लेटफॉर्म पे, देखा अरे बहुत लंबी भीड़ है, आप लाइन में खड़े नहीं हुए, वापस आ गए, ठीक है। तो आपने क्या है, क्यू के अंदर ज्वाइन नहीं किया, यानी कि क्या है, आपका जो क्यू लेंथ निकालेंगे उसमें वो कस्टमर काउंट नहीं होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है बट आपको पता होना चाहिए क्या है ये चीज़, ठीक है। जॉकिंग का मतलब क्या होता है, जब अब कोई भी कस्टमर लाइन स्विच करे, क्यू स्विच करे, लाइन स्विचिंग जानते हो क्या होता है, बताओ व्हाट इज लाइन स्विचिंग। हाँ
हाँ, एक लाइन से दूसरी लाइन में चले जाना। अगर जैसे मान लो आप किसी काउंटर पे गए, उस पर 2 या 3 लाइन खड़ी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी, आप एक क्यू में लगे हो, आपको लग रहा है कि वो वाली लाइन जल्दी चल रही है, उससे मैं चले गए छोड़ तोड़ के। बट ये पॉसिबल कब है, जब स्टार्टिंग में पॉसिबल है, जब आपका सर्विस क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मार के भगा देते हैं कई बार, देखा होगा, ठीक है। तो वो ये वही कौन ये वही वो है आपका सिचुएशन, जॉकिंग यानी कि इम्पेशेंट कस्टमर का वो टाइप जो आपका क्यू को स्विच कर रहा है। अब क्यू स्विच करेगा तो क्यू के जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। एक बार गेट में क्वेश्चन आया, छोटा सा क्वेश्चन, कि जब बाल्किंग कस्टमर होगा उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, आप खुद बताओ कि नहीं करेंगे। मैंने साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने डबल मार्क कर देता हूँ, ये गेट में पूछा हुआ था, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाने का मोटो है मेरा, ठीक है। तो ये बाल्किंग का मतलब क्या होता है, बाल्किंग द कस्टमर, उसमें चार ऑप्शन आए तो आपको पता होना चाहिए, ये एंटर नहीं करेगा सिस्टम को और जो इसकी जो क्यू लेंथ है उस पर अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ द क्यू या लेंथ ऑफ द सिस्टम विल बी सेम, ठीक है। और चीटर का मतलब बता ही दिया कि 100 रुपये किसका आएगा और अपना काम करा लेगा दलाल के थ्रू, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपकी 30% यूनिट यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल बाय कांडल एंड ली नोटेशन, ठीक है। अब जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जो बच्चों ने कुछ भी मिस किया है, अब वो सारा यूटिलाइज होगा, चाहे वो सर्विस रेट है, चाहे वो अराइवल रेट है, सर्वर है, या फिर आपका पॉपुलेशन है, कॉलिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हेडिंग, हाँ ठीक है, सॉरी, आप ठीक है, आवाज़ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, वो था थ्योरेटिकल पार्ट जो कि बेस्ड है पूरा हमारे फंडामेंटल्स पे, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखो हमारा जो टॉपिक सिलेबस में है, दैट इज कांडल, ये कोई साइंटिस्ट थे, इन्होंने पढ़ाया, ठीक है, और हम इसको यूटिलाइज करेंगे, कांडल एंड ली नोटेशन, ठीक है जी, कांडल एंड ली नोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, थोड़ा ढंग से पढ़ना इसको, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक छोटा सा फॉर्म में इसको क्या करा, समराइज़ करा कि भाई ये नोटेशन रखनी है कोई भी आपको मॉडलिंग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एक नोटेशन बनाई इस शेप की, अब देखते चलना, ए बी स्लैश सी, ठीक है, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन आया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट गेट में आया हुआ है, डायरेक्ट एज इट इज़ जैसा जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अब गेट में क्या पूछा, बी का मतलब बताओ, तो पहले मैं सबका मतलब बता देता हूँ, ए क्या बता रहा है हमारा, ए इज़ अराइवल रेट, अराइवल रेट, ठीक है। बी क्या बताएगा, सर्विस रेट, सर्विस रेट, ठीक है। सी बताएगा आपका नंबर ऑफ सर्वर, नंबर ऑफ सर्वर, सर्वर, ठीक है। डी बताएगा आपका सर्विस रूल, आप सर्विस रूल मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, बताओ सर्विस रूल क्या होता है, बताओ बेटा, एक बच्चा बताओ, व्हाट इज सर्विस रूल, इसीलिए सब कुछ पढ़ाया बीच पहले, बताइए, बिल्कुल, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम लास्ट आउट, ठीक है, दो काफ़ी हैं, बाकी जो चीटर वगैरह के हैं वो सब हमें नहीं याद रखने हैं, ठीक है। ई क्या बताएगा आपका, ई ई बताएगा आपका सिस्टम लेंथ, सिस्टम लेंथ, ठीक है। एंड एफ क्या बताएगा, कॉलिंग पॉपुलेशन, कॉलिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे कांडल नोटिफिकेशन ख़त्म होती है। अब देखो छोटा, ये सारी चीज़ें आपको सब सबने पढ़ ली हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अब सोचो गेट में क्वेश्चन क्या आया, उसने सीधा लिख दिया ए बी सी और कह दिया व्हाट बी डिनोट्स और ऑप्शन दे दिए चार, कोई भी कर देगा, बी क्या बताएगा, सर्विस रेट, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बना के दे दूं, PQR, ठीक है, और ZNM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N, N का मीनिंग क्या होगा, बस, ठीक है। तो यानी कि ये इसको आप बिल्कुल अपने ब्लड में डाल लो कि ये जो अगर क्यूइंग थ्योरी से अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तो कांडल नोटिफिकेशन से बनता है, ठीक है, चलें आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखो डेप्थ में जाते हैं इसके,
अराइवल रेट मैंने पढ़ाया आपको, अराइवल रेट कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, ठीक है। कॉलिंग पॉपुलेशन कितने तरह की हो सकती है, तो इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। एक एन यानी कि फाइनाइट पॉपुलेशन हो और एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो। तो एन अगर कैपिटल एन है यानी कि क्या है, वो फाइनाइट नोट पॉपुलेशन के लिए डिनोट करते हैं, और इनफाइनाइट के लिए हम इनफाइनाइट सिंबल बनाते हैं। तो सिस्टम लेंथ भी हमने पढ़ी, सिस्टम लेंथ कैसी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, क्लियर है। सर्विस रूल देखे हैं हमने, सर्विस रूल दो देखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व एंड फर्स्ट इन लास्ट सर्व, ठीक है। ये हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इस नोटिफिकेशन के बेस पे हम दो मॉडल देख सकते हैं। जो मैं जो ग्रीन ग्रीन जो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल हैं जो आपने पढ़ने हैं अभी आगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वर, सर्वर कितने हो सकते हैं, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, अप टू एन, एन सर्वर तक, डिपेंड करता है आपके सर्वर कैसे हैं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। दो काउंटर हैं, तीन काउंटर हैं, 50 काउंटर हैं, 1000 काउंटर हैं, ठीक है, एन टर्म्स तक, ठीक है। सर्विस रेट, सर्विस रेट क्या होता है, सर्विस रेट के लिए देखो सिंबल यूज़ करते हैं हम एम। अगर आपको यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम का मतलब क्या होता है, अराइवल रेट, ये लिख लेना अच्छे से। एम का मतलब होता है अराइवल रेट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस रेट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलो करेगा जो कि जस्ट मैंने अभी बताया था, जो इनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और कई बार एम की जगह लिखेगा डी, तो डी का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा हो ई, तो ई का मतलब क्या होता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, कांडल एंड ली नोटेशन। यहाँ पे हमारा जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कांडल का ख़त्म होता है, और जो हमारे सिलेबस में मॉडल हैं वो पढ़ते हैं फर्स्ट मॉडल, ठीक है, मॉडल नंबर फर्स्ट, ये है हमारा सिलेबस में फर्स्ट मॉडल, दैट इज ये पढ़ना है आपने M M1, ठीक है, FIFO/इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इससे समझो आपको मॉडल क्या कहना चाह रहा है, बताओ कोई बच्चा बताओ वन बाय वन। एम का मतलब क्या है, अराइवल रेट, ठीक है। सेकेंड एम दैट इज सर्विस रेट। वन का मतलब क्या है, सर्वर, कितने सर्वर हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सर्वर वन, क्लियर है, ये चीज क्लियर है तीनों, ठीक है। तो अराइवल रेट एम लिखा हुआ है, एम का मतलब क्या बताया मैंने कि एक एक हमारा जो अराइवल रेट क्या रहेगा, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सर्विस रेट क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वर एक, यानी कि एक बंदा सर्वर दे रहा है। और सर्विस रूल क्या लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या है, सिस्टम लेंथ दैट इज इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे लोग हैं आ सकते हैं लेंथ के अंदर, या सिस्टम लेंथ है क्यू लेंथ। और पॉपुलेशन क्या है, इन्फाइनाइट, किसी भी शहर से आ सकते हैं। तो ये मॉडल पे न्यूमेरिकल करने हैं हमें कल से स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो यूनिट है ये हमारा 50% या हमारा बोल सकते हैं 40% कवर हो गया है। तो हमारे सिलेबस में एक ये है और दूसरे में क्या है, यहाँ वन की जगह आ जाएगा एन, मतलब MM1 और MMN, मतलब सिंगल सर्वर और मल्टी सर्वर का क्वेश्चन करेंगे, यहीं तक हमारा सिलेबस में आता है। और जो गेट का फेवरेट टॉपिक है वो यही है MM1 मॉडल, ठीक है, क्लियर है। तो क्यूइंग थ्योरी का बेसिक सबको क्लियर हो गया, कांडल नोटिफिकेशन क्लियर होगी, करेक्टरिस्टिक क्लियर होगी सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट है और इसके बाद हम देखेंगे आगे। और किसी को कोई डाउट है, बताओ बताओ बेटा, किसी को भी कोई डाउट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना, ओके, चलो।